स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं। उड़ीसा के कटक के वारंग तहसीलदार बालू माफियाओं पर कार्रवाई, वाहन जब्त। कटक जिले के वारंग ब्लॉक के तहसीलदार रमेश चंद्र जेना एक्शन मूड में। सूचना के मुताबिक बालू माफिया बालू चोरी चालान करने की खबर सुनकर छापा मारा। तहसीलदार रमेश चंद्र जेना 12 गाड़ियों को सीज करके तहसील की जब्त करके रखी गई हैं। सभी गाड़ियों पर लगभग 40 से 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। दूसरी ओर 9 गाड़ियों से 2,95,000 रुपए वसूल किया गया है और 3 गाड़ियों से बाद में जुर्माना वसूल किया जाएगा। तहसीलदार रमेश चंद्र जैना ने जानकारी दी। कटक वारंग से उड़ीसा चीफ ब्यूरो लक्ष्मीधर बेहरा की रिपोर्ट। जो गाड़ी सब धराई है ताक आम फ्रिक्वेंटली चेक करते चेक कर देखल कि इलीगल ट्रांसपोर्टेशन करफर्म ना आने इलीगली जेहतु ट्रांसपोर्ट कर धराई आगे एक्शन करा माइनर मिनरल आक्टा जेहतु कंपाउंडेबल ऑफेंस प्रथम पेनाल्टी ऑफर करुच्छे जो पेनाल्टी से नदे एगेन्स्ट लीगल एक्शन जहाँ अच्छी एफआईआर अच्छी से भी एन करते सरकार तो धार्ज सबको 5 लाख से आम देखिए 50,000 40,000 एमती फाइन कर यहाँ असंभव नुह जा आमर प्रयास अच्छे आम खाली मो तहसिल नुह इवेन अन्य तहसिल धरुँच जगह तेनाली चढ़ाटा जारी रहा।